क्रिकेट हिस्ट्री का पहला टाइम आउट आउट होकर एक बॉल भी ना खेलकर एंजेला मैथ्यूज आउट होकर चला गया है। हाँ, क्रिकेट हिस्ट्री का पहला बैट्समैन है एंजेला मैथ्यूज जिन्होंने एक बॉल भी ना खेलकर आउट होकर चला गया। मतलब क्या कहा जाए इस बारे में। इतना दिन हम लोग बस टाइम आउट का नाम सुना है, और टाइम आउट पे क्या होता, बैट्समैन और फील्डर के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए 2 मिनट का ब्रेक होता था। आईपीएल में हम लोग टाइम आउट देखा है, लेकिन इस टाइम आउट की वजह से अगर आउट हो सकता है कोई बैट्समैन, ये आज पहली बार देखा है इस वर्ल्ड कप में, मतलब बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच में। ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया हरकत है बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन की द्वारा। हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, ये होना नहीं चाहिए था। एक्चुअली नियम यह है कि कोई बैट्समैन आउट होने के बाद जो बैट्समैन क्रीज में आता है ना, उनको आने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, पर एंजेलो मैथ्यूज को आने के लिए थोड़ा देर हो चुका था, लेकिन तब टाइम आउट नहीं लिया है शाकिब अल हसन। टाइम आउट कब लिया एंजेलो मैथ्यूज, जब हेलमेट पर पहन रहा था तो उनका जो हेलमेट का स्टेप होता है ना, वो स्टेप तोड़ चुका था, तो तब शाकिब अल हसन ने टाइम आउट ले लिया और अंपायर आउट दे दिया। लेकिन अंपायर ने शकीब अल हसन को पूछा था, 2 बार पूछा, एक बार नहीं 2 बार पूछा है कि क्या आप इस आउट को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन शकीब अल हसन ने कहा ना, नहीं हम नहीं लेना चाहता है, हम तो आउट करना चाहता है। मतलब क्या कहा जाए, मिर्जापुरी फिर से, मतलब बांग्लादेश का जो फैंस है ना, वो शकीब अल हसन के मिर्जापुर कहता है, और ठीक ही कहता है। ये जो मिर्जापुरी कर दिया ना, मतलब बहुत ही शर्मिंदा की बात है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है। बांग्लादेशी फैन जो हमेशा आईसीसी चोर, इंडिया चोर, क्रिकेट बीसीसीआई चोर, और बहुत बहुत बात करता था कि अंपायर इंडिया का साथ देता है, आईसीसी साथ देता है, बीसीसीआई साथ देता है, ये सब बात बांग्लादेशी फैन हमेशा करता रहता है। लेकिन आज मानो उनका जो कप्तान, उन्होंने ऐसी घटिया हरकत कर दिया कि इसे तो बांग्लादेशी फैंस अब मुंह ही नहीं खुल पाएंगे। और बहुत ही बैड लक एंजेला मैथ्यूज के लिए, बहुत ही बैड लक, बहुत ही खराब आउट हुआ है। एक बॉल भी ना खेलकर आउट होना बहुत ही दुखजनक बात है। और क्रिकेट की जो स्पिरिट, उस स्पिरिट के लिए इस आउट को वापस लेना चाहिए था। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, यहाँ पर ऐसा करना नहीं चाहिए।